हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से अन अकेडमी के इस लेट्स क्रैक नीट यूजी प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर अभी तक अगर हम बात करें तो हमने सॉल्यूशन चैप्टर का डिस्कशन शुरू किया था और उसी में हम अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कल मैंने आप लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था और आज मैं उन्हीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में कुछ आगे की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करना शुरू करूंगा, ठीक है। तो कल तक हम लोगों ने बात की थी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, आज हम लोग बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, डेल्टा टीबी की और डेल्टा टीएफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वो सब जानेंगे कि एलिवेशन ही क्यों होता है, डिप्रेशन क्यों होता है, इनके बेस्ड पे न्यूमेरिकल किस तरीके से बनते हैं। आई एम अ पार्ट ऑफ क्लस्टर, हाउ टू गेट कंप्लीटेड, यहाँ पता चल जाएगा ना आपको आदित्य, जब आप आओगे, ठीक है। तो मैं बताता तो चल रहा हूँ कि चैप्टर कब कंप्लीट होगा। तो चैप्टर आपका ये ऑलमोस्ट मान लो 2-3 लेक्चर्स और लगेंगे, उतने में ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं अगला चैप्टर कराऊंगा। तो आ जाइए सभी लोग, ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज हम लोग डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ पे पूरा फोकस करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें, जो लोग अभी आ रहे हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में ही, और इसके साथ ही साथ मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 थी, ठीक है, सीएसआईआर नेट के एग्जामिनेशन में, और पिछले 7 से ज़्यादा सालों से मुझे आईआईटी जेई और नीट यूजी के एस्पिरेंट्स को टीच करने का मौका मिला हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कि इस चैप्टर से कितना आता है ये सब मैं क्वेस्ट पे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सो वो सब हम लोग जब पेपर एनालिसिस करेंगे वहाँ बता देंगे, अभी हम टोटली फोकस करते हैं इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो जो लोग नए आए हुए हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोग अगर अपनी प्रिपरेशन को और भी बेटर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, लाइव टेस्ट और क्विजेस होते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ हाँ, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, आज पूरा डिस्कशन यही है यार, लर्न विथ फन, सब यही सब चलेगा आज, ठीक है। और ये सारे कोर्सेज आपको बहुत ही कम दाम पे मिलते हैं, सो प्लीज गो फॉर एटलीस्ट 2 ईयर सब्सक्रिप्शन और 1 ईयर सब्सक्रिप्शन एंड यूज माई कोड SHUBH, इससे आपको 10% डिस्काउंट इंस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें सबको पता ही होंगी, ठीक है। तो हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का चैप्टर में डिस्कस करने के लिए हमारे पास काफी चीजें हैं, ठीक है। सो प्लीज आप लोगों को कहीं भी अगर दिक्कत होती है कुछ भी समझने में तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं, टुडेज क्लास, आज का कंटेंट क्या क्या है हमारा। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डेल्टा टीबी क्या होता है, ठीक है, क्यों डेल्टा टीबी होता है, क्या होता है और हाउ टू कैलकुलेट, ठीक है, न्यूमेरिकल्स, है ना, न्यूमेरिकल्स की डिस्कशन करेंगे और केबी के बारे में भी बात करेंगे। ये चार चीजें हम डेल्टा टीबी से रिलेटेड करेंगे और इसके साथ ही साथ डेल्टा टीएफ की बात करेंगे, उसके बारे में भी यही चीजें कि ये क्यों डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन क्यों आता है, क्या होता है डिप्रेशन, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए और केएफ के बारे में बात, ठीक है, और इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। इतनी सारी चीजें आज की क्लास में होने वाली हैं, सो अच्छे से सभी लोग ध्यान से सुनिएगा बातों को, ठीक है, फोकस करिएगा पढ़ाई पे, स्क्रीन की तरफ फोकस करिएगा केवल, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। कल हमने आप लोगों को बताया कि किसी भी सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, और इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो केवल और केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उतनी होगी, और वो केवल 4 होती हैं। मैंने कल बताया था आप लोगों को RLVP, जिसका डिस्कशन पूरा हो चुका था, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीबी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 चीजें थी। इनके 4 चीजों के बारे में हमको इस चैप्टर में पूरे तरीके से जानना है। सो कल हम लोग RLVP कर चुके हैं, RLVP ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। आज हमारा डिस्कशन हम सबसे पहले शुरू करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, डेल्टा टीबी बोलते हैं, है ना। तो ये कहा जाता है
ये कहा जाता है कि व्हेन सोल्यूशन इज फॉर्म्ड एंड अ सोल्यूशन इज फॉर्म्ड, ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द सोल्यूशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपके प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज्यादा होता है, एंड दिस डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और अल्टीमेटली दिस डेल्टा टी बी होगा, ठीक है, डेल्टा टी बी, एलिवेशन की बात करें ना, दिस डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, ये लिखा जाता है। ठीक है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम होता है, जहां पर एम क्या है, एम इज मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो अब पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये बढ़ ही जा रहा है। अभी ये फॉर्मूला फाइनल नहीं है, ठीक है, अभी इसमें हम और थोड़ा सा इसको और बड़ा करके लिखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कि व्हाई दिस एलिवेशन टेक्स प्लेस, मैंने यहां बता तो दिया आप लोगों को, यहां मैंने ये बता दिया ना, पहले मैंने अपनी बात कह दी, मैंने क्या कहा कि जब भी कोई सोल्यूशन बनता है तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपके सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, हायर है। तो सबसे पहला सवाल बच्चे का यही आएगा कि व्हाई हायर, ज्यादा क्यों हो गया, क्यों उससे कम नहीं रहा या क्यों उतना ही नहीं रहा, ज्यादा ही क्यों हुआ, ठीक है। सो लेट अस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा सबसे पहले, अभी न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल में जाने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि व्हाई दिस एलिवेशन, व्हाई एलिवेशन, एलिवेशन ही क्यों, डिप्रेशन क्यों नहीं या कॉन्स्टेंट क्यों नहीं रह रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ठीक है। देखो देखो होता क्या है कि जब आपने सॉल्यूशन बनाने से पहले लिया सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्वेंट, और जब सॉल्यूट मिला दिए तो यहां पर सरफेस पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स आ जाते हैं। और कल हमने पढ़ा था कि सॉल्यूट डाल देने से, किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल देने से जो इसका वेपर प्रेशर होता है, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब जब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, सो बॉइलिंग होती कब है, व्हाट इज बॉइलिंग, बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग का मतलब होता है कि व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू द एटमोस्फियर प्रेशर, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर या उससे ज्यादा हो जाता है तभी ना होता है बॉइलिंग, तभी होती है ना। तो अब होगा क्या, देखो अब होगा क्या, पहले सॉल्वेंट था, वेपर प्रेशर ज्यादा था, अभी तुमने सॉल्यूट मिला दिया, सॉल्यूट मिला देने से देयर विल बी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब अगर वेपर प्रेशर लोअर कर गया तो आपको जब बॉयल करना है इसको तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ना, और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्यों बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वेपर प्रेशर वापस से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो सके। So that is why there is an increase in boiling point, ठीक है। कि अब देखो why elevation, इसका answer हम क्या देंगे कि as we know that, इसका answer हो जाएगा कि why elevation takes place, why not depression, we know that on addition of solute, ठीक है, on addition of solute, there is a decrease in vapor pressure of the solution, ठीक है, that is why to make
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी नीड टू इंक्रीज द टेम्परेचर. ठीक है, दैट इज वाई देयर इज एलिवेशन. तो हमको इस बात का जवाब मिल गया कि भैया ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, इसमें एलिवेशन ही क्यों लिखा जाता है. व्हाई इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई नॉट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट. सो क्यों है ये डिप्रेशन, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आपका वेपर प्रेशर घट रहा है सोल्यूशन बनने से. और अगर सोल्यूशन बनने से वेपर प्रेशर घटता है तो आपको बॉयल करने के लिए वेपर प्रेशर बढ़ाना है. तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा कब, आपको टेम्परेचर और ज्यादा देना पड़ेगा. प्रीवियसली आप सॉल्वेंट में जितना भी दे रहे थे उससे ज्यादा देना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाई देयर इज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. तो अब ये इंक्रीज ज्यादा आएगा कम आएगा, इसको ग्राफिकली एक बार देख लेते हैं. ग्राफिकली कहते को ग्राफ, मैं इस पेज पे खाली ग्राफ ही समझाऊंगा. ये टेम्परेचर है और ये वेपर प्रेशर है. ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने बढ़ता है. दिस इज वेपर प्रेशर कर्व. मान लो ये वेपर प्रेशर कर्व सॉल्वेंट का है. दिस इज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्वेंट. तो अब अगर तुम सॉल्यूशन बनाओगे, ये बात तो कल ही हम लोग जान चुके हैं कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, घटता जाएगा ना यार. अगर हम सॉल्यूशन को देखें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कर्व क्या आएगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर कर्व के नीचे ही आएगा. दिस इज सॉल्यूशन. ठीक है, और अगर वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होता है, जब वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होता है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है, उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ना. उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट. दिस इज ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. अब हुआ क्या, तुमने क्या किया कि यहां पर ये सॉल्यूट डाल दिया सॉल्वेंट के अंदर, उसकी वजह से वेपर प्रेशर देखो कम आ गया. तो ये जो वेपर प्रेशर कर्व है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वेपर प्रेशर कर्व क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई सॉल्यूशन तुम्हारा तभी बॉयल करेगा जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए. सो अब इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब होना है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर तुम देखो ये होगा, यानी कि नाउ इट विल गेट बॉयल्ड एट दिस टेम्परेचर. दिस टेम्परेचर इसको टीबी डैश मान ले रहा हूं मैं, न्यू बीपी ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो हमको क्या दिखा, हमने सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन बनाने से वेपर प्रेशर कर्व ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता है. तो वेपर प्रेशर कर्व अगर नीचे जाएगा तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हायर टेम्परेचर पे कट करेगा. और जब ये वेपर प्रेशर कर्व एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हायर टेम्परेचर पे कट करेगा तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, देयर इज एन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट. देयर इज एन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस इंक्रीज इज नोन एज डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अब भैया ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो बात मैंने वहां पे बोल दी थी ऐसे ही, उसको मैं जस्टिफाई कर रहा हूं. तो अब आप ये बताओ ये डेल्टा टी भी कितना ज्यादा होगा अगर ये गैप आपके सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर कर्व में जो गैप आ रहा है ये जितना ज्यादा होता जाएगा, जितना ज्यादा होता जाएगा एलिवेशन उतना ही हाई होगा. ये गैप किस बात पे डिपेंड करेगा, ये गैप इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुमने सॉल्यूट कितना डाला हुआ है. मोर द सॉल्यूट मोर विल बी द गैप बिटवीन द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. तो जितना गैप होता जाएगा डेल्टा टीबी भी उतना हाई होता जाएगा. एंड दिस गैप इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल बी डिपेंडेंट ऑन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. जितना ज्यादा अमाउंट डालोगे सॉल्यूट का, मोलैलिटी सॉल्यूशन की उतनी ज्यादा होती जाएगी ना. तो हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू एम, जो मैंने बोला पहले. और इसी को हम क्या कह देते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वॉट, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो इसको मैं अलग से लिख रहा हूं. क्या फॉर्मूला आया,
डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। तो यहां चीजें क्या है, हर चीज का, हर टर्म का आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। डेल्टा टी बी का मतलब है, अभी अभी हमने पढ़ा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टीबी डैश माइनस टीबी। और मैंने बता दिया टीबी क्या है, ओरिजिनल ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, एंड टीबी डैश इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, एम क्या है, एम क्या है, मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और यहां एक चीज याद रखना कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर देता है, मोलैरिटी दे देता है, तो बच्चा परेशान हो जाता है कि सर मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है, अब उसको मोलैरिटी पहले कन्वर्ट करेंगे, इतना बड़ा काम करेंगे हम, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी, ये फंडा यूज कर देना। ठीक है, तो अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और यहां एक नया टर्म आ गया, केबी। केबी को हम बोलते हैं मोलल, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को ही, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को ही और क्या कहा जाता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। हाँ हाँ अब्दुल रहमान, देखो वही चल रहा है। ठीक है, अभी हम पूरा डिस्कशन इसी के बारे में करेंगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के बारे में ही। ठीक है, तो अब हमको ये पता चल चुका है कि सॉल्यूशन बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो किसके हिसाब से बढ़ेगा, के बी एम के हिसाब से बढ़ेगा। एम क्या है, मोलैलिटी है। तो इसी फॉर्मूले को आप नहीं लगता आपको कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि डब्ल्यू बाई एम इंटू डब्ल्यू एस इंटू थाउजेंड। ये भी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, बताओ, जहां पर डब्ल्यू मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, एम मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, और डब्ल्यू एस क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। ठीक है, इतनी सारी चीजें हो गई। अब मेन फोकस हम करेंगे, अभी हमारा अगला डिस्कशन होगा कि ये केबी क्या है भैया, केबी क्या है, सर आपने केबी लिख तो दिया, केबी को पता कैसे करेंगे, केबी क्या लेंगे, किस पे डिपेंड करेगा। सो लेट्स डिस्कस नाउ, न्यूमेरिकल्स पे जाने से पहले हम लोग केबी के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। सो व्हाट इज दिस इब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, ठीक है, या इसी को और क्या बोलोगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, अभी देखो इसका और फंडा क्लियर हो जाएगा। तो भैया हमने तुम लोगों को क्या बताया, अभी इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, पूरन चंद देखो ना यार, वही चल रहा है, सर द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन द सोल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोअरिंग ऑफ सोल्यूशन वेपर प्रेशर उसी के प्रोपोर्शनल होगा ना। ठीक है, जितना ज्यादा वो डालते जाओगे उतना ही ज्यादा वो क्या एलिवेट होगा। ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर घट रहा है। तो देखो इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट में क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। सो लेट अस से इफ एम इज इक्वल टू वन, मोलैलिटी वन ले लें, सो डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, के बी हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहां ये कह सकते हैं कि फॉर पर्टिकुलर सॉल्वेंट, फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड फॉर वन मोलल सॉल्यूशन इज द इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। Is the ebullioscopic constant of solvent. ठीक है,
समझ आया इब्युलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है कि भैया तुम सोल्यूशन बनाओ, वन मोलर सोल्यूशन बनाओ, और उस वन मोलर सोल्यूशन में जितना इंक्रीमेंट आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, नो अब्दुल रहमान, नो अब्दुल रहमान, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी ओनली फॉर वन मोलर सोल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन में यार तो 0.01 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी सर केबी डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज, केबी इज डिपेंडेंट, केबी इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब जब भी आप एक्वस सॉल्यूशन लेके चल रहे हो, चाहे सुगर का लेके चलो, चाहे किसी भी चीज का लेके चलो, यूरिया का लेके चलो, यू विल यूज द सेम केबी इफ यू आर डीलिंग विद एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इट केबी डिपेंड्स ओनली ऑन द सॉल्वेंट, ओनली ऑन द सॉल्वेंट, नॉट द नेचर ऑफ सॉल्यूट, नॉट द नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है भैया। केवल और केवल इस पे डिपेंड करेगा। यूनिट्स क्या हो जाएंगी, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ केबी क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ केबी क्या होगा, देखो केबी का यूनिट मतलब डेल्टा टीबी का यूनिट डिवाइडेड बाई मोलैलिटी का यूनिट, तो केबी का यूनिट होता है केल्विन पर मोलल या फिर डिग्री सेल्सियस पर मोलल, समझ आई बात। दीज आर द टू यूनिट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलल, मोल पर केजी, मोलल का मतलब होता है मोल पर केजी, ठीक है। तो आई होप इब्युलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट क्या है ये सबको समझ आया गया होगा, ये सबको समझ आ गया होगा, हाँ, केल्विन पर मोलल या फिर डिग्री सेल्सियस पर मोलल। क्यों हम ये डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं, क्योंकि ये देखो ये चेंज स्केल है, डेल्टा टीबी इज नॉट टेम्परेचर, इट इज चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। सो चेंज इन, एट द चेंज इन टेम्परेचर स्केल, चाहे डिग्री सेल्सियस लेके चलो, चाहे केल्विन लेके चलो, बराबर आएगा, ठीक है। समझ आई बात, समझ आया बात सबको, क्लियर हो सब लोग यहां तक। अब बात करते हैं कि अच्छा सर ये केबी पता कैसे चला, मान लीजिए हमको नहीं पता है मोलैलिटी ओलैलिटी, हमको ये सब चीजें नहीं पता है, हाउ यू डिटरमाइन, हाउ टू फाइंड आउट केबी ऑन द बेसिस ऑफ अदर डेटास, ठीक है। तो ये जो किसी भी, मान लो हमारे पास सोल्यूशन नहीं, हमारे पास खाली पानी है, वी हैव ओनली द सॉल्वेंट एंड आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द केबी वैल्यू, सो हाउ टू फाइंड आउट दैट, भैया सोल्यूशन बना के तो केबी निकाल लेंगे ना, मेरे मेरे घर में चीनी नहीं है, मेरे घर में नमक नहीं है, मेरे घर में कोई सोल्यूट नहीं, खाली पानी है, और मुझे पानी का केबी पता करना है, तो हाउ टू फाइंड आउट द केबी ऑफ वाटर, ठीक है। सो लेट अस सी कि इट कैन बी डिटरमाइंड विदाउट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो हाउ इट कैन बी फाइंड आउट, लेट अस सी, इसको आप इस तरीके से पढ़िएगा, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन केबी एंड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपीरिकल चीज है, इंपीरिकल चीज मतलब समझते हो ना कि ये आपको रिलेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज रिलेशन, मैं बता दे रहा हूं, केबी इज इक्वल टू, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी पूछ सकता है ना, वो ज्यादा कोई उतना वो नहीं है, पूछ सकता है, लेकिन आर टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 एलवेप, ठीक है, या इसी को हम कहते हैं केबी इज इक्वल टू एम आर टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 एचवेप। दीज आर द टू फॉर्मूला, डेल्टा टी, डेल्टा एचवेप, ठीक है। दीज आर द टू फॉर्मूला विच इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्या चीज, इब्युलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को पता करने के लिए ये दो फॉर्मूले यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, ये देख लेते हैं हम लोग, है ना, एक अपनी इंफॉर्मेशन। और जो लोग अभी यहां क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं खाली थ्योरी नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है,
इस चैनल पे अगर मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग क्वेस्ट पे जरूर आइए, क्वेस्ट पे मैं खूब सारे क्वेश्चन ही कराता हूँ खाली, ठीक है। सोल्यूशन का भी वहां शुरू होने वाला है, 4-5 दिन में सोल्यूशन का मैं वहां पर सीरीज लेके आने वाला हूँ। तो आप थ्योरी यहाँ पढ़िए और क्वेस्ट पे आके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। वहां खाली क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, थ्योरी का कोई बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत बच्चे हैं जो यहाँ पर हैं वो लोग अटेंड करते हैं, ठीक है। सो आई हैव कंप्लीटेड मेनी चैप्टर्स, ठीक है। अभी 12th का फिजिकल वहां चल रहा है, तो आप लोग आके क्वेश्चंस अगर आपको डील करना है तो क्वेश्चंस वहां मैं कराता हूँ, ठीक है। यहाँ अगर टाइम मिलेगा, यहाँ एग्जाम्पल में 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं, उतना टाइम नहीं रहता हमारे पास कि खाली और खाली क्वेश्चन कराएं। यहाँ थ्योरी पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन भी कराना है, वहां खाली क्वेश्चन कराना है तो आप लोग वहां भी आइए, ठीक है। अब देखो इनमें मतलब क्या है, इन सारे टर्म्स का मतलब क्या है। सो आप जिस भी सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हो, टी नॉट उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब भैया घर में पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो पता होगा ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। यहां पर दूसरा टर्म जो मैं एल वैप लिखा हुआ हूं, ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बट ये पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, ये याद रखिएगा। ये दोनों फॉर्मूले अलग नहीं है, एक ही है। देखो ये पर ग्राम सॉल्वेंट था, तो इसको जब पर मोल सॉल्वेंट चेंज करना हुआ तो हम क्या किए, एम से डिवाइड कर दिए, बस बात खत्म, ठीक है। आर तुम लोग को पता ही है क्या होता है, यूनिवर्सल सार्वत्रिक गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, है ना। यू वैल्यू पता ही होगा इसका तुम लोग को, 8.314 कब यूज करना है, 2 कब यूज करना है, और 0.0821 कब यूज करना है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द यूनिट्स ऑफ गिवन डेटा, ठीक है। और डेल्टा एच वेब क्या है, डेल्टा एच वेब का यहां मतलब क्या है, डेल्टा एच वेब का मतलब है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, एंड दैट कैपिटल एम इज मोलर मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो अब मुझे लगता है कि जितने लोगों को इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट वगैरह में प्रॉब्लम थी या नहीं समझ आ रहा था, अब समझ आ गया होगा ना यार, पूरी कुंडली तो खुल गई ना केबी की, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है ये तो क्लियर होगा आप सब लोगों को, निकाल सकते हो ना, पता कर सकते हो ना कि हाउ टू फाइंड आउट इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इज एवरीवन क्लियर। तो एक सवाल कर लेते हैं, एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, ताकि बस इसको इंप्लीमेंट करना एटलीस्ट सीख जाए हम लोग, ठीक है। देखो कह रहा है कि एक सवाल कर लेते हैं, छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन यहां मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख के फिर एक क्वेश्चन एटलीस्ट डिस्कस कर लेते हैं टाइम, ताकि बाद में वो भी डिस्कस कर पाए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। मैं यार देखो पहले से लगा के नहीं आता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि किसी चीज को एक्सप्लेन करने में कितने पेज चले जाएंगे, तो इसलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, तो कुछ सेकंड का आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा। देखते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर एसीटोन, ये दिया हुआ है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर एसीटोन इज 56.38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हेन 0.707 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड इज डिजॉल्व, है ना, इन 10 ग्राम ऑफ एसीटोन, है ना, एसीटोन, देयर इज एलिवेशन, एलिवेशन टू 56.88 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन इतना पाया गया इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, तो अभी जो चीज हमने पढ़ी उसके बारे में एक छोटा सा ये सवाल है उसके इंप्लीमेंट पार्ट को लेकर के, ठीक है, कि कैसे जो हम जो फंडा पढ़े हुए हैं उसको किस तरीके से
सैयद उमर यार प्लस का प्राइस तुमको शुरू के वीडियो में मिल जाएगा, पहले पढ़ लो वो सब देख लेना ना यार, ठीक है। तो देखो इसमें करना क्या, आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। सबसे पहले हम सोल्यूशन इसका देख लेते हैं, लेट अस सी द सोल्यूशन। सोल्यूशन में देखो, अगर आप तो भाई हम जानते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, है ना यार, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, और के बी दिया हुआ है, के बी ऑफ एसीटोन, के बी दिया हुआ है कितना, 1.72, 1.272 दिया हुआ है, ठीक है। तो दिया हुआ है, देखो के बी इज इक्वल टू 1.72 दिया हुआ है किलोग्राम के जी पर मोल, ठीक है। तो यार ये बताओ, डेल्टा टी बी तो पता चल गया ना अपने को कितना है, 56.88 बाद में बढ़ गया है, और पहले कितना था, 56.38 था। के बी कितना दिया हुआ, 1.72 दिया हुआ है। मोलैलिटी पहले हम निकाल लेते हैं, तो मोलैलिटी हमारी आ गई, मोलैलिटी आ गई कितनी, मोलैलिटी आ गई ये तुम्हारा हो गया 56, और ये तो 0.5 डिवाइडेड बाई 1.72, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। इन केजी, तो भैया ये सब कितना दिया हुआ है, ये तुम लिख सकते हो ना, ये 1/2 लिख सकते हो, तो 1/17 34 3.44 आ जाएगा, 3.44 ये आएगा। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे यार, कितना, 0.707 ग्राम डाला गया है, मोलर मास एम मान लेता हूं, और 10 ग्राम सॉल्वेंट है, 10 ग्राम का मतलब 10 × 10^-3 केजी, ठीक है। सो नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस, है ना, ये कितना आ जाएगा, एम इंटू 10^-2 इज इक्वल टू 0.707 × 3.44, सो एम इज इक्वल टू 0.707 × 3.44 × 10^2, तो ये आता है करीब करीब तुम्हारा 243.2 ग्राम पर मोल, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट। हाँ राज, बिल्कुल 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 यही आएगा, ठीक है, दिस विल बी द आंसर, ठीक है, दिस विल बी द आंसर, 243.2 विल बी द आंसर। सो आपका जो नया सोल्यूशन, जो जो सोल्यूशन बना जिसमें ये डेटा सारा कुछ पता चला, उसमें जो सोल्यूट डाला गया था वो क्या था, तो ये एक सवाल था, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे सवाल और भी इसको ट्विस्ट करके बनाए जा सकते हैं। आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज क्वेश्चंस ऑन द क्वेस्ट प्लेटफॉर्म, सो बी देयर, है ना। चलते हैं आगे, है ना। एक चीज और यहां मैं बता देना चाहता हूं कि इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सल्यूट इन सोल्यूशन, ठीक है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी एम हो जाता है, ठीक है, आई के बी एम हो जाता है। आई विल डिस्कस आई इन लेटर क्लासेस, ठीक है। आई यहां पर क्या है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, तो बता रहा हूं, तो यहां बता ही दे रहा हूं, ठीक है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर मैं एक अलग क्लास में डिस्कस करूंगा, तब आपको बताऊंगा कि आई को कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। आ गई बात समझ में बिल्कुल सबको, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये था कि वाई दिस एलिवेशन वॉज देयर इन द सोल्यूशन, वाई दिस एलिवेशन वॉज देयर इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अब ये एक हमने दो जो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज खत्म कर दी, आरएलवीपी हो गया, डेल्टा टीबी हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब अगला जो हमारा है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, या इसी को हम डेल्टा टी एफ बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो लेट अस सी, अगर आप लोगों को डेल्टा टी बी समझ आ गया है ना, तो डेल्टा टीबी पे अगर हमने ज्यादा टाइम दे दिया है तो डेल्टा टीएफ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, डेल्टा टीएफ बहुत आराम से समझ आएगा। बस वो जो कर्व बनाया था ना मैंने, वेपर प्रेशर कर्व, उसी से सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं, फिर मैं समझाता हूं कि डिप्रेशन क्यों आता है। तो अब यह क्या है, इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन यह है कि व्हेन अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, व्हेन अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, ठीक है,
बाय मिक्सिंग ऑफ, बाय मिक्सिंग ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज लेसर देन दैट ऑफ द, देन दैट ऑफ द क्या चीज, देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. मतलब अगर तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है ना, पानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस बॉयल होता है, अगर तुम चीनी का पानी बना के रख दोगे ना, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड ही रहेगा. उसको ठंडा करने के लिए तुमको और क्या करना पड़ेगा, ठंडा करने के लिए कर रहा हूँ, उसको जमाने के लिए, ठीक है, उसको फ्रीज करने के लिए तुमको और कम टेम्परेचर करना पड़ेगा, ठीक है. सो ऐसा क्यों होता है, है ना. सर ने बता तो दिया कि वेन एवर अ सोल्यूशन इज फॉर्म देयर इज डिप्रेशन इन, there is depression in freezing point, ठीक है. So why this depression is there? So let us see. First question of a student comes कि why there is depression in freezing point. ठीक है, why there is depression in freezing point. So let's see the vapor pressure curve. एक चीज यहां इंफॉर्मेशन याद रखना, इन दिस सॉल्यूशन ओनली सॉल्वेंट गेट्स फ्रीज्ड, ठीक है. अब ये किसी को पूछना चाहिए क्यों सॉल्वेंट ही क्यों फ्रीज होता है, क्योंकि भैया तुमने जो सॉल्यूट डाला वो नॉन वोलेटाइल है, है ना, वो तो खाली डिजॉल्व फॉर्म में है, तो वो क्यों होगा, है ना. ओनली सॉल्वेंट गेट्स फ्रीज, ठीक है. तो अब आप देखो, अभी हमने वेपर प्रेशर कर्व बनाया था, वेपर प्रेशर, और ये है टेम्परेचर. तो यार अपना जो सॉल्वेंट है, ठीक है, अरे यार जो भी सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट जैसे जैसे टेम्परेचर कम करोगे उसका वेपर प्रेशर कम होता जाता है, वेपर प्रेशर कम होता जाता है. दिस इज सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का टेम्परेचर जैसे जैसे घटाओगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर कम होता जाएगा. एक टाइम आएगा जो तुम्हारा सॉल्वेंट है टेम्परेचर ठंडा करने पे क्या हो जाता है, वो फिर फ्रीज कर जाएगा ना, और जहां फ्रीज करेगा वहां वेपर प्रेशर कर्व और स्टीप हो जाएगा, ठीक है. सो दिस इज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्वेंट. यहां हमको लिक्विड फेज मिलता है, यहां हमको सॉलिड फेज मिलता है, और इस पॉइंट पे लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं. और ये जो टेम्परेचर होता है जहां पर लिक्विड फेज वाला वेपर प्रेशर कर्व सॉलिड फेज वाले वेपर प्रेशर कर्व से मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. दिस इज टी ऑफ. नाउ द सोल्यूशन इज बींग फॉर्म्ड. सबने सोल्यूशन बना दिया. तो भैया पहली चीज हम पढ़े, ठीक है, पहली चीज हमने पढ़ा कि यार जो भी सोल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है. तो भैया लो, वेपर प्रेशर कम होगा, इसका होगा कि नहीं होगा. अब वेपर प्रेशर कम होगा तो यार इसमें जो सॉल्वेंट है वही फ्रीज हो रहा है ना. तो ये सोल्यूशन वाला जो वेपर प्रेशर कर्व है, सोल्यूशन वाला जो वेपर प्रेशर कर्व है, वो सॉलिड वाले को जहां कट करेगा, ठीक है, वो सॉलिड वाले को जहां कट करेगा, हमारा जो ये सोल्यूशन है यहीं पर फ्रीज होगा, ठीक है. तो हमने क्या पाया कि नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन इट इज गेटिंग फ्रीज्ड एट दिस टेम्परेचर. इसको हम टी एफ डैश मान लेते हैं. तो क्या हुआ, देखो अब दिख रहा है ना, अब यहां साफ दिख रहा है ना कि क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीज्ड. So, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये कर्व, कि यहां पर वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट विल बी डिक्रीजिंग. सो दिस इज डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. इसको हम एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्यों नहीं कहते, इसलिए नहीं कहते, ठीक है. अब ये बताओ, जितना ज्यादा तुम सोल्यूट डालोगे ये वेपर प्रेशर कर्व उतना नीचे आएगा, ये वेपर प्रेशर कर्व जितना नीचे आएगा उतना आगे जाके कट करेगा ना सॉलिड वाले को,
तो फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होता जाएगा. इट मींस दिस डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, है ना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इनसाइड द सोल्यूशन. और यहीं से आता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम आ जाता है ना. इसी को हम और क्या लिख देते हैं, डेल्टा, इसको अगले पेज पे लिख देता हूं मैं. इसी को क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या आया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आया के एफ एम. ठीक है, इसी को और क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल एम कैपिटल डब्ल्यू एस इन 2000. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन, है ना, ये भी लिखा जा सकता है डेल्टा टी एफ को. तो यहां सारे टर्म्स क्या क्या है, एक बार हम सारे टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं. डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी है. और वही बात मैंने बताया कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो तुम्हारा मोलैलिटी है वो मोलैरिटी के बराबर होता है. तो सवाल में अगर ऐसा कुछ आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. ओके, के एफ को हम क्या बोलते हैं, मोलल, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. ओके, स्मॉल डब्ल्यू क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट था इन टर्म्स ऑफ ग्राम, कैपिटल एम क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट था, और डब्ल्यू एस क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट था. ऊपर मैंने हजार से गुणा कर दिया तो ये ग्राम में था. ठीक है, समझ आया बात, सभी लोगों को समझ आ रहा है, सभी लोगों को समझ आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है सब कुछ. बिल्कुल, चलते हैं आगे फिर. तो अब डिस्कशन कर लेते हैं, मैं बोला था ना अगर के भी समझ आ गया तो के एफ समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है. अब बात कर लेते हैं के एफ की. के एफ को क्या बोला मैंने, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. ये दोनों टर्म यूज होते हैं के एफ को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो क्या होगा यहां पर, देखो आप, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या, के एफ एम. सो व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज वन, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ. इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर अ मोलल सॉल्यूशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज के एफ. ठीक है, के एफ डिपेंड्स, के एफ डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के नेचर पे केवल डिपेंड करता है, सल्यूट पे नहीं डिपेंड करता है. ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट सेम होगी जो के बी की थी. क्या होगी यूनिट, ठीक है, केल्विन पर मोलल या फिर डिग्री सेल्सियस पर मोलल. चलते हैं आगे. और जैसे हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था केबी के बारे में, उसी तरीके से केएफ की भी एक रिलेशन होती है. ठीक है, सिमिलर है सारा कुछ. ठीक है, तो यहां मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. ठीक है, के एफ की जो रिलेशन होती है, के एफ की रिलेशन आती है तुम्हारी एम आर टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 डेल्टा फ्रीज. ठीक है,
या फिर KF इज इक्वल टू क्या आता है, RT0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 एल फीस। ठीक है, जो चीज वहां मैं बताया था KB में लगभग लगभग वैसा ही है, बस एक बार सारी मीनिंग्स क्लियर कर लो। KF क्या है तुम्हारा? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, इसके बारे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। R तुम्हारा क्या है? R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। टी नॉट क्या है? टी नॉट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। और डेल्टा एच फ्रीज क्या है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर प्योर सॉल्वेंट, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल। और ये क्या है? एल एल फ्रीज क्या है? सेम चीज है, ठीक है, बस क्या है पर ग्राम है। और कैपिटल एम तुम्हारा क्या है? मोलर मास। प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का क्या चीज, जो मुझे दो थ्योरीज बतानी थी। आई होप ये थ्योरीज सबको समझ आई होंगी। सबको समझ आई है भाई ये थ्योरी? सबको समझ आई है ये थ्योरी कि डेल्टा टीएफ क्या होता है, डेल्टा टीबी क्या होता है? तो दो सवाल हम लोग, ये एक चीज और बता दूं कि इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन, ठीक है, जब ऐसा कुछ होगा तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है? आई के एफ एम हो जाता है। आई के बारे में डिस्कशन हम आगे की क्लासेस में करेंगे, आई का जब मैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर पढ़ा दूंगा, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं होता है ना, बहुत इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको आपको समझने में। एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे, ठीक है, एटलीस्ट अप्लाई करने का तो सीख जाएं। एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है ये कि 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड When dissolved in 50 ग्राम ऑफ 5 ग्राम्स, एक्चुअली ये सब्सटेंस 5 ग्राम है, ठीक है, 5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम ऑफ वाटर वाटर लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो कैलकुलेट मॉलिक्युलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, मॉलिक्युलर वेट ऑफ द सब्सटेंस ठीक है, केएफ ऑफ वाटर इज 1.86, है ना। तो ये पिछले बार जो हम सवाल किए थे लगभग लगभग वैसा ही है, ठीक है, लगभग लगभग वैसा ही है। तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बराबर हो जाएगा 5 बाई m, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम दिया हुआ है, 50 ग्राम का मतलब हो गया 50 × 10⁻³ kg, ठीक है। kf दिया हुआ है तुमको कितना? kf दिया हुआ है 1.86, और डेल्टा tf भी दिया हुआ है कितना? 1.2। सो डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, ये आ जाएगा 1.2 इज इक्वल टू 1.86 इंटू 5 बाई m इंटू 50 × 10⁻³। यहाँ से सॉल्व करने पे कैपिटल एम कम्स आउट टू बी 15.41 ग्राम पर मोल, ठीक है। सो ये सवाल लगभग लगभग पिछले सवाल जैसा था, ठीक है। एक और सवाल करते हैं हम लोग,
क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, एक और सवाल इसी पे कर लेते हैं। ठीक है, एन एक्वस सॉल्यूशन, इसमें थोड़ा सा जो मोलैरिटी आपका कंसंट्रेशन टर्म्स वाला नॉलेज है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन, एन एक्वस सॉल्यूशन, एन एक्वस सॉल्यूशन हैज, अब देखो 5% यूरिया कह रहा है, 5% यूरिया, 5% यूरिया एंड 10% ग्लूकोज, 5% यूरिया एंड 10% ग्लूकोज बाई वेट। अब ये बाई वेट का मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम अगर सोल्यूशन है ना, तो उसमें 5 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम क्या है ग्लूकोज है, बाकी बचा हुआ 85 ग्राम क्या है सॉल्वेंट है। सो बाई वेट का मतलब ये होता है, ये मैंने उसमें बताया था आप लोगों को, वॉट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन। ठीक है, बाई वेट, What will be the freezing point of this solution? ठीक है, अगेन एक्वस सोल्यूशन है तो KF कितना हो जाएगा, 1.86 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो how to find out this सॉल्वेंट दोनों में सेम है तो KF वैल्यू का कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसी प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस तरीके की प्रॉपर्टी है, इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो ये इस बात पे नहीं डिपेंड करता, ये इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि तुम्हारा सोल्यूट क्या है, यूरिया है, ग्लूकोज है, नमक है, क्या है, इससे नहीं मतलब उसको, नंबर ऑफ मोल्स कितने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने। ठीक है, सो लेट अस चेक, और नंबर ऑफ पार्टिकल मास से नहीं रिप्रेजेंट होते, नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ मोल से रिप्रेजेंट होते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि द बेस्ट वे वेन एवर एन इंफॉर्मेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्या सबसे अच्छा एज्यूम करना होता है, सबसे अच्छा चीज होता है आप 100 मान लीजिए। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम, इसका सोल्यूशन देख लो। ठीक है, लेट अस अज्यूम हंड्रेड ग्राम ऑफ सोल्यूशन मींस 5 ग्राम यूरिया है वहां और 10 ग्राम क्या है, 10 ग्राम क्या है ग्लूकोज है, और बचे हुए 85 ग्राम क्या है H2O है, जिसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट है तो, सो 5 ग्राम यूरिया का मतलब क्या हुआ, 5 ग्राम यूरिया का मतलब हो गया 5/60 मोल्स, है ना बच्चों। 10 ग्राम ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ, 10/180 मोल्स, ज्यादा आसान रहेगा इसी को 15/180 मोल्स भी तो लिख सकता हूं मैं, है ना। सो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना आ गया, 15/180 प्लस 10/180, है ना, कितना हो गया 25/180। इसका मतलब मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, molality of the solution will be, molality of the solution कितना हो जाएगा, है number of moles of the solute that is 25/180, है ना, divided by mass of the solvent that too in terms of kilogram, यानी कि ये कितना किलोग्राम था, 85 ग्राम था तो इतना किलोग्राम होगा ना, so this is इतना molal, molality पता चल गई। KF आपको पता है, KF कितना पता है KF है 1.86, so delta TF निकाल लेते हैं, delta TF will be KFM, KF is 1.86 और तुम्हारा KF 1.86 है, molarity आ गई 25/180 into 85 into 1000, when we calculate it we get 3.04 degree Celsius। ठीक है, so delta TF is इतना, TF प्योर वाटर का कितना होता है, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, इसलिए न्यू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, नया वाला फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ जाएगा यार, घटा दो ना 0 डिग्री सेल्सियस में से, 3.04 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा तुम्हारा
-3.04 डिग्री सेल्सियस विल बी द आंसर। तो ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? इस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा -3.04 डिग्री सेल्सियस। सो ये तो मैंने एक दो क्वेश्चन कराए, ठीक है। आपको अगर ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं तो प्लीज जब सोल्यूशन का वो क्वेस्ट पे चैनल पे मैं चलाऊंगा तो क्वेस्ट पे मैं हर चैप्टर के 100-200 क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो वहां जरूर रहिएगा, है ना। और इसके अलावा आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या सीखा? आज की क्लास में हमने सीखा कि डेल्टा टीबी क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, और कैसे होता है? जब कभी भी आप किसी सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डालते हैं तो उससे जो सोल्यूशन रिजल्ट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है, ठीक है। क्यों कर जाता है ये भी मैंने बताया, क्योंकि वेपर प्रेशर घट जाता है। वेपर प्रेशर घट जाता है तो उसको हमको बॉयल करने के लिए और भी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, दैट इज वाई इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इनके रिलेशंस के बारे में भी हमने देखा कि हाउ दे आर रिलेटेड, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स भी अप्लाई करना सीख लिया। साथ ही साथ हमने डेल्टा टी एफ के बारे में भी जाना कि क्यों होता है, डिप्रेशन क्यों होता है, और इनके रिलेशंस के बारे में जाना। सो ये एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। आज हम लोगों ने आर एल वी पी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्लास में ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, और इनके न्यूमेरिकल्स। आज हम लोगों ने डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास यार नॉर्मली क्या संडे को क्लास नहीं होती, तो दिस क्लास विल बी ऑन मंडे, ठीक है। मंडे 7 PM से 8 PM होगी, ठीक है। सो बी इन द नेक्स्ट क्लास सो दैट यहां से आगे मैं कंटिन्यू कर सकूं, ठीक है, नॉलेज पूरी की पूरी मिल सके आप लोगों को, ठीक है। और आज की क्लास ओवर करने से पहले एक न्यूमेरिकल आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। प्लीज आप लोग को जो भी मैं होमवर्क देता हूं उसको सीरियसली किया कीजिए, ठीक है, उसको सीरियसली किया कीजिए। एक ये सवाल है जिसमें आपको अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, टेक इट सीरियसली। देखिए ऑनलाइन क्लासेस में आपका सीरियस होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हमको तो पढ़ाने का काम है, हम पढ़ा के चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अगर आप इफेक्टिव क्लासेस चाहते हैं, तो जितनी चीजें बताई जाती हैं उनको सिंसियरली किया कीजिए। क्लास में तो क्या होता है, आपका टीचर चेक कर लेता है कि आपने होमवर्क किया है कि नहीं किया है। यहां मैं आपके घर नहीं आ सकता चेक करने के लिए, सो प्लीज बी सिंसियर। नहीं कर पाते हो अगर सवाल तो प्लीज उसका आंसर पूछो, ठीक है, कैसे किया जाएगा। सो दिस इज योर होमवर्क, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन है आपका कि 1 किलोग्राम ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन, 1 किलोग्राम ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन। ये सवाल अगर जिसने कर लिया सो समझ लो उसको डेल्टा टी एफ और डेल्टा टी बी पूरा बढ़िया से समझ आ गया, ठीक है। 1 किलोग्राम ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन, ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ सुक्रोज इज कूल्ड, ऑफ सुक्रोज इज कूल्ड, ठीक है, एंड मेंटेन्ड एट 3.534 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच ice will get separate out, how much if solution is one, ठीक है। ये सवाल अच्छे से करके आइएगा आप लोग, ठीक है। Kf of H2O दिया हुआ है 1.86 kg,
ठीक है? सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है? इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, आंसर विल बी 353 का, ठीक है? सो ये कैसे आएगा 353 ग्राम, कैसे होगा? मैं एक हिंट दे दे रहा हूं, और प्लीज आप लोग इसको सीरियसली कीजिएगा, ये सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है? ये सवाल अगर आप कर ले गए तो आपको समझ लो कि डेल्टा टीएफ का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, डेल्टा टीवी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। जिसने हवा में लिया होगा इस लेक्चर को, वो नहीं कर पाएगा ये क्वेश्चन। सो देखो यहां क्या करना है, अगर वन मोलल सोल्यूशन है, केएफ वैल्यू के बेसिस पे पहले तो ये पता कर लो कितना डेल्टा टीएफ आना चाहिए था, है ना? पूरा जम जाता ना उस पर। तो अभी क्या हो रहा है, अगर तुम बीच का टेम्परेचर पे ले आ रहे हो तो जमना शुरू हुआ है। सो इस टेम्परेचर के रिगार्डिंग मोलैलिटी निकाल लो, इस टेम्परेचर के रिगार्डिंग मोलैलिटी निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही रहेंगे, है ना? मोलैलिटी निकाल लो, वहां से तुमको मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल जाएगा इस टेम्परेचर पे कि कितना सॉल्वेंट अभी बचा हुआ है, ठीक है? और उस सॉल्वेंट टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट में से यहां पे जो मास ऑफ सॉल्वेंट आया उसको सब्सट्रैक्ट कर लो, तो यानी कि उतना ही अमाउंट सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है? सो प्लीज आंसर, मैंने देखो सैयद आंसर लिख दिया, 353 ग्राम विल बी सेपरेटेड आउट, बट हाउ दिस क्वेश्चन इज टू बी डन, वो जो मैंने एग्जांपल कराया ना तुम लोगों को टीबी और टीएफ वाले, वो तो बस फॉर्मूला अप्लाई करने वाले क्वेश्चन थे, दिमाग असली यहां पर लगेगा। सो अच्छे से दिमाग लगाओ, ठीक है? नहीं समझ आता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं भूल जाऊंगा, लेकिन मुझे याद दिला देना, अगर नहीं कर पाते हो तो आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, ठीक है? अगली क्लास स्टार्ट होने से पहले अगर नहीं कर पाते हो ये क्वेश्चन, सो आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन में जाके अपना माथा लड़ाओ, ठीक है? अच्छे से इसको करो, ठीक है? सो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और सभी लोगों को, जो लोग थोड़ा सीरियस है पढ़ाई को लेकर, उनको मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी चैप्टर आपका तब तक नहीं क्लियर होगा जब तक आप उस चैप्टर से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर लोगे, ठीक है? सो कंसंट्रेट ऑन मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ठीक है? जितना क्वेश्चन करोगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा, उसके लिए आप लोग क्वेस्ट की क्लास में आइए, ठीक है? समझ आई बात? सो 353 ग्राम ये मत कर लेना, ये 3.53 से मल्टीप्लाई कर दिया, नो, दिस इज नॉट द केस, ये कुछ और तरीके से होगा, इस पर पूरा दिमाग लगाइए। और इसका जो भी पीडीएफ है आप टेलीग्राम लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, फीडबैक फॉर्म एक दिया हुआ है, तो आप लोग उस फीडबैक फॉर्म को भी भर दीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है? और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ये लेक्चर देखने के लिए, ठीक है? उम्मीद करता हूँ अगले लेक्चर्स में भी आप लोग आएंगे। और प्लीज जिन लोगों ने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, मेरा कोड है SHUBH, इसको लेकर के आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन 2 साल या 1 साल के लिए कम से कम ले लें, ठीक है? और अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो प्लीज अपने जान पहचान वालों को बताइए, दिस कोड इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी कोर्स एट अन अकेडमी, ठीक है? सो उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ सभी लोग जितना कहा उस वो जाके प्रैक्टिस करेंगे, जो होमवर्क दिया उसको सीरियसली सॉल्व करेंगे, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी मंडे को 7 to 8 PM, ठीक है? और वहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, ऑस्मोसिस से रिलेटेड सारी बातें, ओके? और साथ ही साथ क्वेस्ट चैनल तो अपना चलता ही रहेगा, क्वेस्ट पे आज हमने सर्फेस खत्म किया, अगला इलेक्ट्रो स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज बी देयर ऑल्सो, है ना? ओके, तो सभी लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए, सीरियसली पढ़ाई को लीजिए, है ना? न्यूमेरिकल्स को खूब सॉल्व कीजिए, खाना पीना अच्छे से खाइए, है ना? और एकदम रिलैक्स वे में पढ़ाई कीजिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो समझ नहीं आता वो बताने के लिए हम लोग हैं, ओके? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, गुड नाइट।